मानचित्र में हमेशा जगहों के नाम ही क्यों हों? एक मानचित्र ऐसा भी बने जिसमें जगहों की जगह मिठाइयों के नाम हों। मिठाई रसगुल्ला है, जगह बढ़िया है, मौका विधानसभा के चुनाव का है, सूबा बिहार का है, विधानसभा लखीसराय है और कैंडिडेट के नाम के आगे बीजेपी के विजय सिन्हा मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में और उनको कांग्रेस की तरफ से अमरेश चुनौती दे रहे हैं। विजय सिन्हा 2015 में भी जीते, पर फिलहाल बात मिठाई पर लौटाते हैं। ये चाचा यहाँ इस मशहूर यहाँ की एक शीतला मिष्ठान भंडार के नाम से बढ़िया का दुकान है। हम जब दिल्ली से चले और अपने सब पत्रकार मित्रों से बात किए तो बोले कि बढ़िया का रसगुल्ला ज़रूर खाइएगा। क्यों इतना मशहूर है, क्या खास बात है इसका? खास बात है सर, शुद्ध यहाँ गाय का दूध आता है। हाँ। शुद्ध भैंस का दूध आता है। अच्छा, घटता है तो हम बरौनी डेयरी से मंगाते हैं पर्व त्यौहार में। पर्व त्यौहार क्या हिसाब रहता है जैसा दूध ये जो भरा रखा है जो सर? तो अभी तो जिसे हिसाब है अभी 18 मन 20 मन दूध आ रहा है। हाँ। गाय का और भैंस का। हाँ। और तो सब लोग यही लेके आते हैं या कहीं डेयरी से? यहीं से डेयरी से भी मंगाते हैं। हाँ। और लोकल आदमी भी देता है। अच्छा, फिर दूध को गर्म कर छेना बनाने का क्या प्रोसेस है जरा बताएंगे? आइए चलते हुए बात करें। पहले इसको दूध कच्चा दूध आया। हाँ। उसको वहाँ गरम करके खौलाए। हाँ। खौलाने के बाद छेना फाड़े, गरम पानी किए, छेना गरम पानी, वहाँ छेना का पानी रखा हुआ है इसमें। ये हाँ ये है, मैंने ड्रम भरा, ये सब निकल गया पानी। हाँ, गरम। और वो छेना हो गया और छेना बन गया। अभी कितनी देर तक टंगी रहेंगी छेने की? बस जहाँ तक रस गिर जाए 2-4 घंटा में निकल जाता है। 2 घंटा कहाँ से, 2 घंटा, 1 घंटा के बाद उसको उलटते पुलटते रहेंगे घंटा में उसको तैयार, फिर पलटेंगे। हाँ, इसको फिर हाँ उसकी तैयारी हो रहा है। अब फिर वहाँ पीढ़ा पर जाएगा, वो पीढ़ा पर रगड़ेगा। कितना ज्यादा लेबर काम करता है आपके यहाँ? ये चलिए उधर भी देख लें। अभी तो सर जनरल ऐसे सब मिला जुला करके 8-10 लेबर रहता है। हाँ। अभी तो 17-18 को है, अभी सीजन की वजह से। हाँ, सीजन। हाँ, बढ़ गया। ऐसे हम जनरल 8-10 आदमी रहते हैं, 8-10 आगे से पीछे तक। अच्छा, क्या नाम है आपका? रवि। रवि, कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 वर्ष। 18 वर्ष की है। वोट डाले हो कि पहली बार डालोगे? वोट तो हम नहीं देते हैं। वोट नहीं देते? क्यों नहीं देते हो वोट? अभी हमारा वोटर लिस्ट नहीं आया है। इस बार तुम रजिस्टर नहीं करवाए? 18 के हो गए? नहीं करवाए। पढ़ाई किए हो कुछ? पढ़ाई किए, 7वां क्लास तक किए। 7वां क्लास, फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? छोड़ दिए, नहीं पढ़ने का मन था। पढ़ने का मन नहीं? किस में लगता है मन तुम्हारा? सिनेमा देखते हो? नहीं, सिनेमा नहीं देखते। मन किस में लगता है तुम्हारा, बताओ हमको। तुम्हारा मन काम करने में मन लगता है? काम करने में मन लगता है। अच्छा, और घर में कौन कौन है तुम्हारे? माता हैं जी, हैं पिताजी, हैं भाई बहन है। भाई बहन है। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर है। अच्छा, आपको कोई नेता ठीक लगता है? नेता ठीक लगता है कौन? बहुत सर नेता ठीक लगता है। आइए जरा कैमरे को, कौन सा नेता सब ठीक लगता है, क्या ठीक लगता है? जैसे कि हो गया लखीसराय का विजय सिन्हा हो गया। हाँ। इधर पटना जी मोदी जी। अच्छा, मोदी जी ठीक लगते हैं। क्या सही लगता है मोदी जी में? इतना सब चीज़ बढ़िया कर रहे हैं। क्या बढ़िया कर रहे हैं बताओ, थोड़ा विस्तार से बताओ। जैसे अरे नहीं, सब वोटरों को, सबको और पहली बार को बड़ा ज्ञान होता है। क्या नाम है चाचा आपका? गोरेलाल महतो। गोरेलाल महतो जी, कितने समय से ये काम कर रहे हैं? ये तो 2 बरस से कर रहे। उसके पहले क्या करते थे? उससे पहले खेती गृहस्थी में भी कर रहे थे। खेती में नहीं जमा मामला जी? नहीं, अब शरीर से भी कमजोर हो गए, गोड़ हाथ भी, इसीलिए। सेठ जी कितना पैसा देते हैं? पैसा मजदूरी देते हैं। कितना? 400 रुपया देते हैं रोज का। रोज के देते। अच्छा, आपका गांव कहाँ है? बढ़िया है। बढ़िया ही में पड़ता है। हाँ। तो कई ऐसे लोग भी होंगे जो अभी लॉकडाउन में बढ़िया वापस लौट के आए, बाहर के काम करने वाले? नहीं, बाहर नहीं, हम बाहर यहीं रहते हैं। नहीं नहीं, आप तो यहीं रहते हैं और लोग आए होंगे ना कई लोग, जैसे हमें और कई गांव में लोग मिले हैं। सब ये सब यहीं रहने वाले हैं। सब यहीं रहने वाले हैं। यहीं रहने वाले हैं। तो आपके गांव में सरकार ने कुछ करवाया है काम? काम सरकार है? हाँ, काम सरकार करवाया नहीं। क्या ये करवाया? सब पुल तूल यही सब, आंगनबाड़ी फलना चिलना सब है, पढ़ाई बच्चे उच्चे का सब खर्चा उर्चा मिलता है। खर्चा मिलता है? हाँ। अच्छा, वजीफा आता है सब? हाँ, सब चावल उबल और सब मिलता है खाने के लिए। मिलता है? हाँ, हर महीने में 5 किलो। अच्छा, बढ़िया। तो चुनाव कैसा लग रहा है यहाँ, कौन जीत रहा है लखीसराय?
चुनाव चुनाव तो अब चुनाव वोट पड़ने के बाद है ना, अब ऐसे कैसे बता सकते हैं कि क्या। आप ऐसे बाजार में बैठे हैं, लोगों से बात होता होगा ना? नहीं, बाजार में हम मजदूरा लोग हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। अच्छा, हम मजदूरों की चिंता करता है कोई नेता? नहीं, ये नेता थोड़ो है मजदूरों को देखने वाले। कौन थे फिर? कोई नहीं है। हाँ, दिल्ली पटना में कोई फिक्र नहीं है? कोई फिक्र नहीं है, मजदूरा को देखने वाला कोई नेता नहीं है। हाँ, कोई देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला। अच्छा। मजदूरा के एक ही को भगवान देखने वाला, केवल भगवान देखने वाला है। तो चाचा ये बताइए, ये अब यहाँ लोई बन गया, फिर इसके बाद का क्या है प्रोसेस? इसके बाद है चीनी में घोला गया होगा, चीनी में वो घोलेगा, रस तैयार करेगा, रस और उसमें डालेगा। जाइए देख के आइए रजत जी, जैसे मनेर में देखा था। चीनी डाला होगा तो चीनी डाल के दिएगा। हाँ। चीनी जब रस तैयार हो जाएगा उसमें ये सबको उझलेगा। हाँ। उसके बाद आधा घंटे 45 मिनट में फिर माल निकल जाएगा। निकल जाएगा। कितना खपत हो जाता है यहाँ पे? खपत के हिसाब से बिकता होगा? अरे हाँ, नहीं, पीस के हिसाब से। हाँ, किलो के बेसी किलो के हिसाब से बिकता है। हाँ। कितना समय से है ये दुकान आपका? आइए रजत जी, 15 साल हो गया। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, आइए। अच्छा, ये बताइए, जैसे बहुत सारे कारोबारियों के लिए नई नई स्कीम आती हैं कि दुकान बढ़ाना है, कुछ करना है, तो बैंक से लोन ले लो, ये वो। आप लोगों को कुछ इस तरह की स्कीम कुछ कैसी अथी क्या करते हैं? सीसी करवाए हुए हैं हम लोग ग्रामीण बैंक से। हाँ। उनसे मदद हमको मिल रहा है। हाँ। मदद से कारोबार चल रहा है। अच्छा, तो आपने तो बड़ा जमाना देख लिया, ये चलते हुए बात करते हैं। चलते हैं। तो आपने तो बड़े मुख्यमंत्री देख लिए, नीतीश, राबड़ी, लालू, उसके पहले जगन्नाथ बाबू और सब। जी जी जी। कौन सा नेता आपको ठीक लगा? 30 साल का दरमियान में 15 साल तो जंगल राज चला सर यहाँ। हाँ। बहुत भयावह, बहुत भयावह। क्या था उस उसको याद मत, मैंने लालू जी का राज तो था। लखीसराय में क्या दिन दहाड़े किसी को मार देना, किसी को कुछ छीन लेना, ये सब होते जाते रहता। अच्छा। 8 बजे रात के बाद हम लोग घर नहीं जा पाते थे। हाँ। घर नहीं जा, स्टेशन से घर नहीं जा पाते। 8 बजे के बाद दुकान बंद, सब सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। हाँ। इनके राज में, नीतीश जी के राज में तो हम ये देख रहे हैं कम से कम शांति हो गया है। हम लोग 2 बजे भी जाते हैं तो कोई डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक, एकदम कोई डर नो घर में। टाल में बिजली जगमगा रहा है। हाँ। गली गली रोड हो गया है। हाँ। मतलब पूरा शांति है, शांति है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? अभी लौटेंगे पॉलिटिक्स में। ये रसगुल्ला है। हाँ, ये गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन है सर। ये बना बना के हम लोग स्टॉक कहीं करेंगे। कैसे बचपन में सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो भरपेट खाएंगे, यहाँ तो भर भगोना रखा हुआ है। भंडार सब दिन का भंडार ये है मेरा, सब दिन इसी में रखा था। सब इसी में रखा था। ये क्या नाम है आपका? बड़ी देर से देख रहे हैं, यही काम करते हैं। हाँ। क्या नाम है? बब्बर। बब्बर, क्या कमाल नाम है यार एकदम, बब्बर शेर। हाँ, क्या करते हो बब्बर तुम? यही चेयरमैन करते हैं। क्या करते हो? चेयरमैन ही करते हैं। चेयरमैन करता है, चेयरमैन मतलब वेटर का काम करते हैं। जी सर। कितना पढ़े बब्बर? पढ़े लिखे तो नहीं है। पढ़े लिखे नहीं। ये सब नेता लोग कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए गरीबों की कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, कोई विकास नहीं हो रहा है, इसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। बाबू जी तो बहुत गिनवा रहे थे कि बहुत काम हुआ है। गढ़टोला में आपका? हाँ, गढ़टोला से करीब 2 किलोमीटर। ये जो यहाँ रेलवे स्टेशन है उसके बगल में मेरा घर। हाँ, तो वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो कोई नेता फिक्र नहीं कर रहा है कि कोई कर रहा है फिक्र? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कोई कर रहा है। हाँ। अच्छा, कोई नेता तुमको कुछ मांगना होगा तो क्या मांगोगे अपने लिए? वही बोलेंगे स्कूल बनाने के लिए, बच्चा जो है गरीब लोग पढ़ने लिखने के लिए। और क्या, अभी स्कूल नहीं है? स्कूल है लेकिन उतना नहीं ध्यान दे रहा अभी, जैसे पहले ध्यान देता था, लेकिन अब ध्यान नहीं देता है। पहले देता था? पहले कौन देता था? किसकी सरकार में देता था? अभी भी देता है लेकिन बहुत कम देता है। मोदी जी आए तो थोड़ा ठीक है, मोदी भी ठीक है, नीतीश भी ठीक है। हाँ। और ये चिराग, तेजस्वी, पप्पू यादव, ये सब इधर का बात नहीं है। ये सब इधर का बात नहीं है, यहाँ बस मोदी जी और नीतीश जी हैं। हाँ। स्कूल एक बड़ा मसला आता है। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन कुमार। शर्मा कह रहे हो कैमरा देख के? ये आप भी यही सर्वर का काम करते हैं? जी हाँ, हम भी सेल्समैनिंग का काम किया करते हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? जी हम तो फिलहाल मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं। मैट्रिक तक पढ़े। जी। फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया?
सर हालात और मजबूरी ऐसी थी कि हमको बर्तन धोने और काम करने के लिए मजबूर किया गया, इसीलिए हम पढ़ाई को छोड़ना पड़ गया। गार्जियन भी जवाब देते हैं कि भाई हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है तो हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ से। तो उस हालात में, उस स्थिति में हमने वो पढ़ाई को छोड़ा। और आगे की सरकार को हम यही कहेंगे कि कम से कम आज कल के डेट में आने वाला स्टूडेंट को इतना मदद कीजिए जो कि गार्जियन अगर पीछे छोड़ दे तो आगे का स्टूडेंट आपसे सहायता लेकर के, आपसे मदद लेकर के अपने पढ़ाई और अपना लाइफ को अपने तरीके से जी सके। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। तो ये तो एक पढ़ाई की बात हो गई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पढ़ाई, पैसे के अभाव में किसी का पढ़ाई नहीं रुके। सरकारें कुछ काम करवाती हैं? इश्तेहारों में तो सब बड़ी बड़ी बात करती हैं, कोई कहता है ये कर देंगे, कोई कहता है ये कर दिया। कहने के इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम सभी कोई कहते हैं कि ना ये काम हम गरीब को देंगे, इतना हम करेंगे, इतना जनता को हम करेंगे, लेकिन जब करने की बात आती है तो वहाँ तक की बात पहुँचती ही नहीं है। उस काम निकल जाने के बाद जनता को ये नेता भूल जाते हैं कि किस तरीके से आप गरीबों के दरवाजे पर जा करके वोट मांगे हैं, वो भूल जाते हैं। पलट के मुड़ा नहीं देखा जाता किसी भी पार्टी में। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी देखा जाता है कि डिलीवरी होने के बाद भी नया नया डिलीवरी होता है तो गरीब लोगों को पैसा दिया जाता है, कुछ मदद किया जाता है, 20,000 या 25,000 कुछ ऐसे ही कुछ मिलता है, लेकिन ऑपरेशन हो जाने के बाद जो मिलता है वो हॉस्पिटल में ही लोग खा जाते हैं, वहाँ गरीब के हाथ में पहुँचता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पहुँचता। ये अनुभव आपको हुआ है? जी, ये हमारा दिल कहता है, अनुभव कहता है, और मैंने ये महसूस किया। कैसे सुधरेंगे हालात, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? कभी बदलाव होगा वही जब जनता जागरूक होगी, जागेगी तभी ये आगे बढ़ेगा। जनता, आपने कहा जागरूक, अभी मैं बब्बर से बात कर रहा था, स्कूलों में आप बता रहे हैं बब्बर की व्यवस्था ठीक है पर बहुत ठीक नहीं, तो कैसे जागरूकता कैसे आएगी? ठीक कहाँ से हालात ठीक रहेंगे सर, यहाँ तो ना चावल खाने के लिए जो चावल आती है सरकारी स्कूल में वो भी उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं और कभी कभी छिपकली भी मिला होता है। आप लोगों का न्यूज़ तो देखते रहते हैं, मोबाइल पे भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, देखा करते हैं सुबह सुबह। अच्छा, देखा करते ये हैं। बताइए वोट डालने जाते हैं आप? नहीं डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं वोट? यहाँ से टूट के जो आवाज़ आती है ना सर, तो दिल नहीं करता है कि हम उनको वोट करें। किसी को वोट देने का दिल नहीं करता क्योंकि आप गरीबों के लिए कुछ करोगे तभी गरीब आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, जब आप गरीबों के लिए कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। देखेगा, सामने देखेगा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद उस टाइम कर देंगे, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएंगे तो हाथ जोड़ के पीछे कर सक जाएंगे, वो अपने काम के पीछे लग जाएंगे, दो रोटी कमाने के हालात में लग जाएंगे, क्योंकि वही रोज इतिहास पलटना है उसको कि रोज कमाएंगे तभी हम खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, ये गरीबों का इतिहास है। अच्छा, ये कई लोग कहते हैं कि जैसे कि 15 साल में काम हुआ, कई लोग कहते हैं पिछले 15 में काम हुआ, कोई कहता है कुछ पहले का बचपन में कैसा था स्थिति, कुछ बदलाव है कि सब वैसे ही चल रहा है? कुछ बदलाव तो कुछ हुआ है लेकिन और आगे जाना चाहिए, और आगे जाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी चीज़, ये तो आपने कहा कि आप वोट नहीं डालते हैं, जैसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, है ना, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम NDA का सरकार बनवाएंगे, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, सब कितना भी कोई जोड़ क्यों नहीं लगा ले सर, जब तक आप गरीबों के लिए नहीं कुछ करोगे जनता जागरूक नहीं होगी और आपको वोट नहीं करेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी, कितना भी आप कर लो। जनता का जागरूक होना जरूरी है, जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में आप लोग नेता लोग नोटबंदी करवाएं, उसमें कौन मार खाया? हमारे गरीब लोग मार खाएं, जो रिक्शा चलाते हैं, ट्रेन में मूँगफलियाँ बेचते हैं वो मार खाएं, जो बर्तन मांजते हैं, जूठे बर्तन मांजते हैं, बड़े बर्तन मांजते हैं, उन्होंने अपना पेट काटा है और उन्होंने अपना आत्मा पेट को कंट्रोल किया है कि किस तरह से गुजारना है, उसमें गरीबी लोग बर्बाद हुआ। अच्छा, नोटबंदी किया उसमें भी गरीब लोग बर्बाद हुआ। कई लोग ये बोलते हैं कि अगर ये सब नोटबंदी वगैरह गलत कदम था तो फिर मोदी जी तो 2019 में और बड़े ढंग से जीते, लोगों ने और समर्थन किया उनका, नरेंद्र मोदी का किया, लेकिन उन लोगों ने किया जिनकी गद्दी बड़े बड़े से मिलती है। नहीं, और जनता ने भी तो किया होगा ना, तभी तो वोट तो सबका मिला ना उनको, मतलब बड़े पैमाने जैसे। ठीक है, आज ही विजय सिन्हा वोटिंग करने के लिए या फिर वोट मांगने के लिए दरवाजे पर आया। विजय सिन्हा यहाँ से विधायक और मंत्री हैं। जी जी, तो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए जगदम्बा माँ के मंदिर तक को प्रणाम तक करने आते हैं, लेकिन उस वक्त आदमी को उस चर्चा होता है वोटिंग के लिए तो वो लोग कहते हैं मतलब बेकार है, काम धंधा ढंग से करता नहीं है, जनता के बीच में गाली देता है, पीठ पीछे गाली देता है कि साला ऐसा हो जाएगा, जीत जाएंगे पर लात मारेंगे, गाली देते हैं।
तो ऐसा करने से कौन आपको वोटिंग करेगा? जैसा कि सुनने में आता है बड़े बुजुर्ग से, 10 बड़े बुजुर्ग के सामने बैठते हैं तो कुछ अच्छी बातें भी और कुछ बुरी बातें भी ज्ञान होती है, इसीलिए दो बुजुर्गों के बीच में बैठा जाता है और शांति से दो लफ्ज बात किया जाता है। चलिए, आप वोट लेकिन जरूर डाला करिए। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो एक नोटा का बटन होता है कि हमको इनमें से कोई पसंद नहीं है, तो भले ही वहाँ जाके नोटा दबाइए या जो कैंडिडेट पसंद है वो दबाइए, पर वोट जरूर डालिए। आप देखो, आपकी सब शिकायतें जायज़ हैं, लेकिन अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आपकी शिकायत रजिस्टर नहीं होगी, हैं? ठीक है ना? चलिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा। कितना लड़का है लड़की है? दो है। लड़का है लड़की है? लड़के हैं। दो लड़के हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ाइएगा। आप मैट्रिक तक पढ़े हैं, उनको और आगे तक पढ़ाइए। फिलहाल तो हम अपनी लाइफ के लिए अपनी बीवी को भी तैयार किए हुए हैं, क्योंकि वो भी ग्रेजुएट नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत कर रही है, स्ट्रगल कर रही है कि आगे बढ़े और हमारे बच्चे को वो सुख मिले जो हमें नहीं मिला। तो आपकी पत्नी अभी पढ़ाई कर रही है? पढ़ाई नहीं कर रही लेकिन जॉब कर रही है। जॉब कर रही है, भाई तो बड़ी अच्छी चीज़ है। क्या जॉब करती है वो? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में, तो देखिए आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलेगा, कल के भविष्य में उनको वो चीज़ मिलेगा, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वो अपने हासिल को और अपने मंजिल को मुकाम को अपने हाथ में मार जाती है। वोट डालने की वो भी आप ही के मत की हैं? जाती है, वो जाती हैं। तो झगड़ा नहीं होता है घर में? मना करते हैं लेकिन आप मना करते हैं? मना करते हैं लेकिन फिर भी पिताजी कहते हैं कि जाने दीजिए, क्या तो देश स्वतंत्र है भाई, वो भी एक स्वतंत्र नागरिक हैं। आपका मन नहीं वोट डालने का तो उनको भी नहीं डालने देंगे? नहीं, वो जाती है। वो जाती है। वो कौन से नेता को पसंद करती हैं? मोदी जी को। वो मोदी जी को पसंद करती है। चलिए बढ़िया है, आप यहाँ मोदी जी की आलोचना, ये इतना सुंदर लोकतंत्र है। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी अंबुज कुमार नाम हुआ। अंबुज, क्या करते हैं आप? जी अभी तो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताइए अंबुज जी, बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना चाव क्यों है? मतलब जब भी हम नौजवानों से बात करते हैं तो 9 out of 10 बोलते हैं जी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। सर दो तीन वजह है। हाँ। पहला वजह तो सर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कुछ है नहीं। अच्छा, पहली बात, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ करना है तो आपको, जैसा कि आप सुशील कुमार मोदी जी जरूर बोले कि वो मजे के लिए जाते हैं बाहर कमाने के लिए, वो लल्लन टॉप वाले इंटरव्यू में बोले थे जी आप ही के साथ शायद थे, तो लेकिन वास्तविकता तो वो है नहीं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आपको या तो बाहर जाना पड़ेगा या तो फिर टेक्निकल अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं खुद का अपना, मतलब जैसे टेक्निकली मतलब जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल का अगर कोई आप कोर्स किए हुए हैं तो आराम से आप मैकेनिकल मतलब मैकेनिक का काम कर दो तीन लोग को रख के करवा भी सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं सर, तो उनको लिए तो उनके लिए तो एक जो बच जाता है रास्ता वो है सरकारी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम ये है सर कि 6-6 साल 7-7 साल आप वैकेंसी लेके, मतलब पहली बार फॉर्म भरिए आप तो आपको 600-700 रुपया लगेगा, फिर उसका 4 साल के बाद एग्जाम होगा, 2 साल के बाद फिर मतलब 6 साल के बाद प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से उसका मेंस का फॉर्म भरवाया जाता है और मेंस का फॉर्म भरवा के फिर 2-3 साल बैठाया जा रहा है। तो ये तो एक वैकेंसी है सर। आप तो बहुत बार, एक बार BPSC का शायद इंजीनियर का पीट दिए थे लोग वहाँ पे, तो आपने शायद अपने शो में दिखाया था, हमको याद है ऐसा चीज़, या टीचर वाले को भी पीटते रहते हैं लोग, मतलब एक तरीके से जकड़ के रखा हुआ है सिस्टम। ये वो बताइए, जैसे अभी भाजपा का घोषणा पत्र आया, उन्होंने कहा इतना नौकरी देंगे जी, है ना, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं नौकरी देंगे, सब दे रहे हैं, तो बिहार के युवाओं को किसी पे भरोसा आ रहा है? सर भरोसा करना पॉसिबल है नहीं एक्चुअली, क्योंकि लोग सर कुछ लोग जो हैं पहले बात करते हैं कि पहले वाले से सिस्टम, मतलब 15 साल पहले। हाँ, ये जो 15 साल बनाम 15 साल का डिबेट चल रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, हम तो जैसे ये बात तो सही है कि पहले जो था स्थिति उससे सुधार हुआ, लेकिन अच्छा। सुधार 15 साल के बाद, 15 साल फिर एक लंबा टाइम होता है सर, तो इस बीच जितना सुधार होना चाहिए था सर उतना तो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, और बहुत सारा सेक्टर ऐसा है सर। अरे अपनी पत्नी को भी लेकर आइए, अकेले बात करेंगे क्या, वोटर तो दोनों है ना जी। तो फिर जितना हर एक सेक्टर में जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था हुआ नहीं सर। आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है पर जितना उम्मीद थी उतना नहीं जी हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप पहले आपसे बात करते हैं, महिला वोटर का मिलते हैं, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मिसेज रीमा। मिसेज रीमा, क्या करती हैं रीमा जी आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, ये बड़ा फुल टाइम जॉब है और बड़ी मेहनत का काम है। एक बात बताइए रीमा जी, कई लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हाउसवाइफ काम नहीं है? क्योंकि अभी हमें लॉकडाउन में जब घर का काम और ज़्यादा करना पड़ा तो हमको तो लगा इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, ऐसा लगता है पुरुषों को कि घर का काम ज़्यादा नहीं है? लगता है पुरुषों को,
ये आपके ये मेरा हस्बैंड है। ये आपके हस्बैंड, ये घर के काम में आपकी मदद करते हैं? क्या मदद करते हैं? बर्तन धोते हैं? नहीं, बर्तन क्यों धोएंगे? बर्तन नहीं धोना चाहिए? नहीं, जैसे कभी कोई फैमिली गैदरिंग हुई तो उसमें हेल्प करते हैं। बर्तन नहीं धुलवाती हैं? बर्तन के लिए इन्होंने वहाँ, एक्चुअली हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं तो वो मेड है। अच्छा, मेड है। मान लीजिए कभी मेड नहीं आई तब तो धो सकते हैं ना? नहीं, तो उस टाइम हम संभाल ही लेते हैं, कोई ज्यादा बर्तन थोड़ी रहता है दो लोगों में। लेकिन ये नहीं धोएंगे? क्यों धोएंगे, जरूरत पड़ेगा तो धोते हैं। जरूरत पड़ेगा तो धो सकते हैं। अगर मेरी तबीयत खराब है तो धो सकते हैं। तो और क्या मदद करते हैं आपकी काम में? और जैसे वही फैमिली गैदरिंग वगैरह में। अच्छा। फिर सब्जी वगैरह लाना है, शॉपिंग करना, बाहर का है। काम ये कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, चुनाव है तो आप दिलचस्पी लेती हैं पॉलिटिक्स में रीमा जी? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट? हाँ। मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आता पॉलिटिक्स? मैसेज आता है, लेकिन पॉलिटिशियन वगैरह ये सब टाइप में इंटरेस्ट नहीं। पर आप भी तो इस देश की नागरिक हैं, देश की ज्यादातर चीजें और कानून तो नेता लोग तय करते हैं, तो आप लोग अगर दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आप लोगों का दखल कैसे होगा, फिर आपका से कैसे होगा? नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं होता। वोट डालने जाती हैं? वोट डालने जाते तो थे, लेकिन अब भी इधर दो साल से नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वोटिंग के टाइम में हम यहाँ रह ही नहीं पाते हैं बिहार में, और मेरा तो वोटर कार्ड यहाँ का बना हुआ है। और आप रहती हैं झारखंड में नौकरी के चक्कर में? इनकी नौकरी के चक्कर। आइए भाई साहब, आपकी नौकरी के चक्कर में वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है। क्या नाम है आपका? अखिल नाम हुआ। अखिल क्या करते हैं आप? बोकारो में जॉब करते हैं। बोकारो, और रहने वाले हैं बेगूसराय के? जी जी। क्या जॉब करते हैं बोकारो? वो मैनेजर। अरे वहीं से प्रणाम उछालिएगा कि यहाँ आइएगा महाराज। हाँ, वो मैनेजर है। हाँ, मैनेजर जी। कैसा लग रहा है बिहार का चुनावी माहौल? बहुत ही अच्छा है, हम लोग न्यूज पे देखते रहते हैं, खासकर आपका न्यूज चैनल को फॉलो भी करते हैं। ललन टॉप भी देखते हैं? हाँ, ललन टॉप। ये काम आप बहुत बढ़िया करते हैं। आपका ऐप भी इंस्टॉल किए हुए हैं? ऐप भी किए हैं, और दो चार को करवा दीजिए। बीच बीच में प्रचार करना चाहिए। जी जी। क्या लग रहा है बिहार का चुनावी मंजर? यहाँ भी क्या कहते हैं, जब से चिराग पासवान जी अलग हुए हैं LJP, तो थोड़ा लग रहा है कि वोट जो NDA का समीकरण बिगड़ने वाला है। NDA का समीकरण? और ये जो महागठबंधन है उसका, नीतीश जी का भी थोड़ा, मतलब ये जो टाइम रहा ये कुछ खास अच्छा रहा नहीं। 15 से 20 वाला? हाँ, 15 से 20 वाला। उनका शुरू का जो 7 साल जब से NDA के साथ थे तो वो बहुत अच्छा लगा। हाँ। लेकिन उसके बाद से फिर मतलब कोई डेवलपमेंट कुछ खास, अच्छा खास डेवलपमेंट लगा नहीं, केवल लगी कि कुर्सी बचाने की बात चल रही है। जनता किसको विकल्प के तौर पर सोच रही है? नीतीश, तेजस्वी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, पुष्पम प्रिया, काफी विकल्प हैं छोटे बड़े सब। पुष्पम प्रिया जी का तो कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, हमने तो लोकतांत्रिक होते हुए जितनी दावेदारियां हैं, हाँ, आपने तो दिखाया था उनका मैं नहीं, मैंने सबकी दावेदारियां गिनवा दी। अच्छा अच्छा, तय तो जनता करेगी। जी जी, मुझे तो लग रहा है कि NDA ही भारी पड़ेगा। NDA भारी पड़ेगा। आइए भाई, आप लोग क्या नाम है आपका? इधर आइए जी, क्या नाम है? निकेश झा नाम है। नीतीश? निकेश झा। निकेश, आपका? अंकुश। मेरा शुभम। शुभम, क्या करते हो तुम तीनों लोग? स्टूडेंट हो? कहाँ, यहीं पे हो कि बाहर हो? नहीं, पटना में। हम लोग पटना में। क्या पढ़ते हो पटना में? कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। कंपटीशन? अरे कहाँ गए, देखो अंबुज में कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन। और जो चुनाव का कंपटीशन है उसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है? चुनाव का कंपटीशन में सर बताना चाहते हैं कि सर जो काम करते हैं ना, स्टूडेंट के लिए काम होता है ना, मतलब बेस स्तर पे ना, स्टूडेंट के लिए ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लड़का के लिए, जो भी जहाँ पे जिनको जो जिस अच्छी से सेक्टर से हैं, किसी के लिए बिहार में कुछ भी नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो पा, कुछ भी नहीं। हाँ। बेसिक काम तो हो ही नहीं रहा, बेसिक काम बस सबको एक लुभावना के लिए, जो लड़का स्टूडेंट है तो क्रेडिट कार्ड ला दो, कोई और है तो उसके लिए कुछ कर दो, बस यही सब ला के, मतलब ये क्रेडिट कार्ड का जिक्र कर रहे हैं नीतीश कुमार के 2015 के 7 निश्चयों में से एक निश्चय ये था। सही बता रहा हूँ ना? यस बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। अनुराग, आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग सब बैच में। हेलमेट नहीं, मास्क लगाना है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो दूसरों को जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हमको आप पर लगवा देंगे, सबको लगवा देंगे, समाज में सबको लगवा रहा है सर। कोई फॉलो कर रहा है? नहीं, सरकार ने पुलिस कोई जिम्मेदार नहीं है हमेशा सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इस तर्क से सहमत नहीं होऊंगा, इसलिए नहीं होऊंगा। सुनिए सुनिए, बात बात तो सही होता है, एक से बात तो सुनिए, हम लोग नेता थोड़े हैं जो ऐसे भाषण दें। नागरिक जिम्मेदारी खुद पूरा नहीं कर रहा, दूसरों को प्रवचन दे रहा है। सही बात है। आप लोगों के पास मास्क है? मास्क नहीं है सर। नहीं है? अभी पुलिस लाठी मारेगा तुम्हें, कहोगे पुलिस लाठी मारता है। तुम लोग सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हो? यस सर। फिर वहाँ जाके नियम कानून बनाओगे? यस सर। है, कहोगे पालन करो, खुद पालन नहीं कर रहे हो सरकारी नियमों का।
सर नियम का तो पालन हो जाएगा, लेकिन जो प्रशासन में है, जो शासन में है, सब गुस्सा सुनेंगे वो भी सर, लेकिन मास्क जरूर, वो भी सर, वो भी सर, अगर सही से करें, सब करें फेयर से, तो फिर ठीक है सर। कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना निकेश, वो कह रहा है कि उससे करवाओ, वो कह रहा है उससे करवाओ, कह रहा पहले उससे मास्क लगवाओ, सब लोग खुद लगा ले तो ठीक हो जाए। कोरोना बीमारी है? बीमारी तो है सर, है ना, है सर। और गंभीर बीमारी है? बहुत गंभीर बीमारी तो है सर, लेकिन जिस तरह से सरकार और प्रशासन इसको ले रहा है उस तरह से तो नहीं लग रहा है सर। चुनाव करवाना सर जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, ट्रेन नहीं खुलवाना है। मगध यूनिवर्सिटी का हम लोगों का थर्ड ईयर का एग्जाम है सर, पेंडिंग है, मार्च में ही होने वाला था, चार साल में डिग्री मिल रही है सर। फॉर्म तक भरा गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। मगध लिए थे 2017 में एडमिशन लिए थे। अगर कोई बंदा साढ़े चार साल में ग्रेजुएट हो रहा है तो फिर सर उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ होगी। हमने मगध यूनिवर्सिटी स्कूल सवाल तो सुन लीजिए, मगध यूनिवर्सिटी, आप भी इधर आ जाइए, मगध यूनिवर्सिटी में हमने बहुत सुना है, ये कब से सेशन लेट चल रहा है, कितने सौ साल, बहुत साल से कितने सौ साल से चल रहा है? 100 साल का तो रिकॉर्ड मुझे पता नहीं है सर, लेकिन तो कहने का तरीका है, फिगर ऑफ स्पीच। पिछले साल हम बताते हैं सर, हम इसी साल ग्रेजुएट हुए थे। कितने साल में हुए थे? मतलब सारे चार साल में। उसमें क्या हुआ था सर वो सुनिए, फर्स्ट ईयर एग्जाम सही से हो गया, सेकंड ईयर नो एग्जाम, थर्ड ईयर नो एग्जाम, फोर्थ एग्जाम, मतलब कोई तरह का एग्जाम नहीं, कोई तरह का फॉर्म नहीं, बिना एग्जाम के कैसे आगे बढ़े? आगे ही नहीं बढ़े, फर्स्ट ईयर में ही थे, ठीक है। उसके बाद जब चौथा साल हुआ सर, अगस्त में पड़ा सेकेंड ईयर का एग्जाम, सितंबर में, दिसंबर है, जैसे हमारे यूपी में तो जब उस समय चुनाव था सर, 2019 में चुनाव था, तो चुनाव के पहले करवा लेते, वही तो समझ में नहीं आया सर, इतना क्या सर, चुनाव जरूरी है, बाद तो मई से जून में करवा लेते, वही समझ में नहीं आया सर, इस चुनाव में इतना क्या संदिग्ध है कि सब कुछ भूल जाना, एक साल पहले से तो नहीं चुनाव था सर, इंपोर्टेंट था इनके लिए, लेकिन इनके लिए स्टूडेंट एग्जाम सर, मीडिया वाले सेकंड ईयर का स्टूडेंट के प्रॉब्लम पे तो कहीं दिखाते नहीं, आप लोग भी सर नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते हैं, नहीं सर, आपका सब वीडियो हम देखते हैं, आपका सारा शो करते हैं सर, हम लोग आपके फैन हैं, बस आपका, आप ये कह रहे हैं कि लल्लन टॉप स्टूडेंट की तकलीफ नहीं दिखाता है, दिखता, लेकिन मतलब नहीं, अभी एक सेकंड, ऐसे नहीं, अभी कह रहे हैं नहीं दिखाते, आप कह रहे हैं दिखता है, देखा जाए सर, नेग्लिजिबल परसेंट है। एक सेकंड, एक बार बताइए, आप दिखाते हैं सर, रवीश कुमार सर जो है वो भी दिखाए थे, मगर कब एग्जाम हुआ था उन्हीं के चलते, उसके बाद वही, वो भी सर, भाई पसेरी ना तोलो ना, देखो हम लोग वही, उतने समय है, उतने ही संसाधन है, सब खबरें दिखाते हैं, स्टूडेंट का भी अभी सब नीट का चला, जेई का चला, बहुत अच्छा लगता है, किताब वाला अच्छा लगता है, हां सर, वो अभी कह रहे हैं विद्यार्थियों के लिए कुछ करते हैं, एक बात बताइए, एक आखिरी चीज बताइए, आप ही के लिए सर, हम कब से मतलब इधर उधर देखते देखते फॉलो कर रहे हैं, अब एक काम और करिएगा, हम तो नहीं देखेंगे, पर आदमी को सबसे ज्यादा पहरा अपनी नजर का होता है, मास्क लगाइएगा जरूर सर, हाँ थोड़ा सा यहाँ मास्क लगाएंगे सर, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये बात सही है सर, तो आपको देख के दूसरा सीखेगा। एक बात और है सर, हम सारा मतलब मीडिया से पूछना चाहते हैं, मतलब मीडिया से, मीडिया, अच्छा आपसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, हमसे पूछ लो सर, जिस तरह से हम, आप सर, हम लोग का रिव्यू ले रहे हैं अभी इलेक्शन अथी में सर, आप सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं सर, जब आप सरकार बुलाती है जैसे सर, सर मतलब देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछना चाहिए सरकार से, वैसा क्वेश्चन सर हो नहीं पाता है, और तीखा सवाल होना चाहिए, तीखा सवाल सरकार को सर घेरना चाहिए सर, उनपे हम लोग अपना पूरा दाव लगा देते हैं सर, घेरना चाहिए, सारा भारत देश का फ्यूचर रहता है सर, सबका फ्यूचर उनपे डिसाइड करता है, हम किस देश से कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या करेंगे, सब डिपेंड करता है अपना सरकार से, हम लोग का फ्यूचर कहाँ है, सवाल बताइए, आप लोग सब नौजवान हैं, पढ़े लिखे, पढ़ रहे हैं, मतलब सब नेता अलग अलग दावा लेके आ रहे हैं मैदान में, है ना, आप लोगों का जो आक्रोश है, जो आप लोगों की उम्मीद है, वो भी रजिस्टर हो रही है, मेरे दो सवाल हैं आप लोगों से, आप पांचों लोगों से, आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं दूर से ही, गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा वो गवर्नमेंट जॉब में, ये भाई बड़ा गड़बड़ है कि सरकारी कर्मचारी बोल नहीं सकता। पहला सवाल ये है, हमारा जो बिहार है, ठीक है, लोगों को लगता है बीमारू है, आंकड़ों में है भी, पर मुझे बहुत संभावनाओं से भरा राज्य लगता है बिहार, मैं इस चुनाव में खूब गांव-गांव घूम रहा हूं, पर्यटन हो, प्रतिभाएं हो, है ना, कौशल हो, किसानी हो, बहुत, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बिहार में नेता बहुत सारे आए हैं, दे डिड नॉट फुलफिल देयर प्रॉमिसेस, आप लोगों को क्या लगता है कैसे बिहार के उत्थान की गाथा लिखी जा सकती है, ये बताइए सर, सबसे आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्या? नहीं सर, सबसे पहला बात है सर, बिहार में सबको जो भी चुन के जाते हैं, या फिर बिहार के उत्थान का आपके पास कोई रोड मैप है ना, जैसे मैंने यस सर है, टूरिज्म का सबसे अच्छा है, सर मैं जिस सेक्टर में रहूंगा, या फिर अभी से ही बिहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि
पहले बेसिक स्ट्रक्चर से सब कुछ को देखा जाए, एक बेसिक बेस लेवल से सर देखा जाए। यहाँ सर सबसे पहले बेसिक में आता है एजुकेशन। बिहार में एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलना चाहिए सर। स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ नहीं है सर। बिना एजुकेशन के सर खिचड़ी पे आप स्टूडेंट को बुला लेते हैं, क्या खिचड़ी उसका भविष्य है? बिहार का ही है सबसे खराब हाल, अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो बिहार का ही है। आपने जो खिचड़ी का कहा, खिचड़ी सर बंद करना चाहिए। सुनेंगे भी ना? बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा, तो आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम क्यों आया? हाँ सर पता है। क्यों आया? वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको प्रोटीन प्रोटीन नहीं मिल पाता। ये स्कीम हम पढ़े थे, बोला था, पढ़े भी थे, है ना? सरकार इसमें बोला है कि सुनिए तो न्यूट्रिएंट, हाँ न्यूट्रिएंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए, तो हमें इस तरीके के सर सरकार अगला चुनाव हमको पूरा भरोसा है क्योंकि ये नेता लोग करते सुनते ही नहीं है। अभी हम सुन रहे थे ना, अब हमारा भी सुन लीजिए। नहीं सॉरी, नहीं ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जैसे किसी स्कीम की आलोचना करें कि ये बंद कर देना चाहिए, तो अल्टरनेटिव क्या है? उसके पीछे एक वजह थी ना, या तो हम बताएं कि भाई इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये गड़बड़ है। बंद करना विकल्प है क्या? मैं बंद करना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बंद करना नहीं, मैं बोल रहा हूँ खिचड़ी का जो सिस्टम है इसमें सर सुधार होना चाहिए। हाँ, ये जो सिस्टम गुणवत्ता वाला टीचर एक भी नहीं है सर बिहार में। कुछ परसेंटेज है, क्या गलत है? कुछ इम्प्लीमेंट सुधार, एक एजुकेशन हो गया, और क्या है? क्योंकि सर देखिए, स्कूल में जो टीचर हैं उनको ही ये डिपार्टमेंट दे दिया गया है कि आप चावल और दाल जो भी सिस्टम है तो आप उसी उसको लेके आइए, आप उसी को सही कीजिए। उसके लिए सर अलग व्यवस्था करना चाहिए। टीचर का काम पढ़ाना होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये बात आपने ठीक, अगर दो टीचर हैं, बहुत सारे स्कूल में सर एक टीचर है, मेरा ही गांव है बगल में सर, उसमें करीब करीब 10 साल तक मिडिल स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर रहे। अच्छा, और वो भी मतलब चावल दाल, तो कभी BRC का मीटिंग, कभी किसी मीटिंग में बिजी रहते हैं। और दूसरा में सर हॉस्पिटल जो बुनियादी है ही नहीं ना, इसमें सर बुनियादी ये है सर, लेकिन ये बहुत आगे लेके जा सकता है। यही मारे भाई, मैं आई स्ट्रॉन्गली एडवोकेट हेल्थ एंड एजुकेशन, तो मैं खुद ही कहता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिहार में सर आपको पता है कि नहीं, वो इंडस्ट्री है, नहीं फैक्ट्री है, नहीं कंपनी है? स्कूल गए हैं और जाएंगे, लेकिन अभी कोविड के चक्कर में बंद है स्कूल। अभी बंद है सर, जागरूक वोटर बन अभी लोग सर कर सकते हैं, मीडिया वाले बंद है स्कूल, तो ऐसे ताला खोल के नहीं घुस जाएंगे। हमको भी बड़ा चाव होता है कि जब चुनाव होता है तो स्कूल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाया जाए। एक आखिरी सवाल मेरा ये, सब तुम ही कमाल है, सवाल पूछने का नौकरी हमारा है। नहीं नहीं, एक बात बताइए, सवाल पूछने का नौकरी हमारा है, तुम क्यों सरकारी कंपटीशन तैयार करो? तुम पत्रकार का तैयार करो। एक चीज आपसे पूछेगा सर, सरकार बेस्ट चीज पे क्यों नहीं ध्यान देता? आखिर बरगलाना सरकार का काम है क्या जनता को? क्यों है ये पूछिए, सरकार इसका जवाब दे। वोट ही देना हमको सही कैंडिडेट। ये जैसे सदन में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सवाल पूछा जाता है ना, वैसे आप हमारे माध्यम से पूछ रहे हैं। अब मेरा आखिरी सवाल, एक नेता नारा दे रहा है 15 साल ये किए, फिर कह रहा है कि उनका 15 साल देखिए, तो जंगल नाम हमारा राज, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे नेता कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि भाई हमको मौका दीजिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम NDA के साथ हैं, मोदी जी हमारे दिल में है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। पप्पू यादव कह रहे हैं ये सब नेता दिखता ही नहीं, हम दिखते हैं। पुष्पम प्रिया कह रहे हैं कि हम धान डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं, सबका अपना अपना दावा है। सब आक्रोश आपका सुन लिया, तो आखिरी में बटन तो दबता है ना, तो डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट डालिए, वो फैक्टर, इकलौता फैक्टर क्या होगा या कई फैक्टर से बना है जिसके आधार पे बटन दबता है आपका? सर मेरे, मुझे लगता है कि कोई भी हम मतलब अपना वोट ऐसा लगता है कि दें कि नहीं दें, समझ कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे वोट का। हाँ वही, कोई फायदा नहीं लगा। जिस जो भी आप जिनका जिनका नाम लिया कुछ सही, आप जैसे कि हम मान लीजिए पुष्पम प्रिया को वोट दे दिया, अगर जो हमको उनका एजेंडा सही लगा, वो जो बोल रहे हैं उनसे उनका सही लगा, हम वोट दे दिए। लेकिन एक मन में भाव रहता है कि एक नहीं होता है, थोड़ा सा अपना आकलन होता है कि नहीं इनको देने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ेंगे नहीं, एक अपना मत दे रहे हैं कि कुछ रहता है। हाँ ये रहता है। पहले तो सर डिसाइसिव फैक्टर सर, पहले तो हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए सर जो बोले हैं कि मैं इतना, अब तो दोनों बोल दिए हैं, तेजस्वी भी बोल दिए, बीजेपी भी बोल दिए। नहीं सर, लेकिन पहले तो बीजेपी जो इनके साथ है JDU के साथ, उनको तो नीतीश कुमार इस बार नहीं चाहिए। अच्छा, कोई भी अब उनके कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन अब ये गवर्नमेंट बदलाव सर चाहते हैं, और बदलाव में भी सर यूथ चाहते हैं। अगर सर घर में सर अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे, नाराजगी कुछ नहीं है, लेकिन 15 साल में वो कुछ ज्यादा
कर नहीं पाए हैं। बस एक चीज ठीक है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा अब ठीक है। साल से जैसे नीतीश कुमार ये कहते हैं सुशासन है, ये है, ये अच्छी बात है नीतीश कुमार का, बहुत अच्छी बात है सर। ये इन्हीं के वजह से उनको हम फेवर करते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स वोटर है भाई। नहीं सर, वही लॉ एंड ऑर्डर। बात बताइए, आखिरी सप्लीमेंट्री सवाल, पूरक क्वेश्चन, कि नीतीश कुमार जैसे अपनी रैली में कह रहे हैं कि पहले लॉ एंड ऑर्डर कैसा था आप लोगों को पता है, हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, वो तो ठीक है ना, तो इसके लिए तो स्ट्रांगली 15 साल इसी के लिए तो नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको मौका देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर फिर बिगड़ जाएगा, इस पे क्या कहना आप लोगों का? नहीं सर, ये गलत है सर, ये गलत है, सोच बदलता सर। बस एक लॉ एंड ऑर्डर लेके तो हम लोग नहीं चल सकते ना, और क्या चाहिए ना। हमारे देश में ना हमारे राज्य में शिक्षा नीति कुछ है, कुछ नहीं है, लुल पड़ गई है। ठीक है, हर बार हर नेता, अलग अलग नेता आते हैं, अपने अपना चोचले देते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस करूंगा, दैट करूंगा, होता कुछ नहीं है। आते हैं अपने जेब भरते हैं, निकल लेते हैं, फिर अगले। एक चीज़ और बताइए, जैसे लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को यहाँ से 39 सीट मिला, सिर्फ एक किशनगंज हारे, तो नरेंद्र मोदी फैक्टर रहेगा बिहार चुनाव में? नरेंद्र मोदी फैक्टर तो नहीं रहेगा, लेकिन इस बार सर नहीं रहेगा, विधानसभा में उतना नहीं रहेगा, लोकसभा में रहेगा सर। कल से परसों आए थे, जरूर रहेगा लोकसभा में, जरूर रहेगा लोकसभा में। हम लोग चाहते हैं पूर्ण बहुमत के साथ रखेंगे लोकसभा में, लोकसभा में पूर्ण बहुमत, बिल्कुल विधानसभा में नहीं चाहिए सर। मोदी जी क्या करेंगे यहाँ पर, बिहार सरकार ना सर लेगी, मोदी जी चाहिए, मोदी जी नहीं। इसमें एक ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत है जो हम यूथ को नीति पर गई है ना भारत की, सर के साथ आते हैं सर तो मंजूर है, क्योंकि यूथ और उनका यूथ गवर्नमेंट सर। मोदी के फेस पे वोट, यहाँ सर मोदी जी के फेस पे वोट विधानसभा में नहीं मिलेगा सर, लोकसभा में मिलेगा, लोकसभा में देंगे सर, ऑब्वियसली मिल जाएगा, कोई चेहरा रहे कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, चिराग के साथ आएंगे तो, चिराग के साथ आएंगे तो वो अच्छा ऑप्शन है, यूथ फेस चाहिए, यूथ चाहिए, बीजेपी और जेडीयू में चेहरा चाहिए। अब उससे मतलब नहीं है, नीतीश बाबू अब चले गया, उनका जमाना चला गया, बहुत दिन, कितना दिन आदमी जेलेगा सर। 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर्ड कर देती है अभी तो, और सर लोकसभा में ला रहे हैं कि 50 साल में रिटायर्ड करेंगे। बाढ़ आया था पिछला बार, देखे थे, कुछ चेंजिंग होता ही नहीं है, जेल पिछला बार सर बाढ़ आया था, पटना का हालत देखे थे, हम लोग रहते थे सर पटना में, बाढ़ में फंसे हुए हैं पिछले साल सर, हम लोग पटना में थे, व्यवस्था क्यों नहीं होता कि बाढ़ नहीं है, कराना पड़ा, ये हाल है खुद बिहार का, 15 साल से सरकार में है और ये हाल है, ये हाल है आपका। और शिक्षा का तो सर बहुत बहुत रहा है, शिक्षा को लेके सब जगह शिकायत मिल रही है, ये जगह बढ़िया है, रसगुल्लों के लिए मशहूर है, मिठास के लिए मशहूर है, और यहाँ के नौजवानों के जो तेवर हैं वो भी तसल्ली बख्श हैं। नागरिकों को सवाल पूछते रहना चाहिए सत्ताधीशों से, ताकि वो सुषुप्ता अवस्था में यानी कि नींद में ना चले जाएँ, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी, क्योंकि काम तो जागकर ही होंगे। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक।